के एक और ब्रांड वीडियो में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपको दोबारा से एक और न्यू मॉडल बोला रहा हूँ दिखाने वाला हूँ, वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ। इसे लेने से आपके काफी अच्छा पैसा बच जाएगा क्योंकि अभी जो न्यू वाली बोलेरो आ रही है वो 11:30 के आसपास मिलती है, लेकिन ये आपको अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। और हाँ यार, पहले आपको बता देता हूँ, ये जो बोलेरो मैं लेके आता हूँ एक दिन में सोल्ड आउट हो जाती है, क्योंकि इसके पहले अभी मैंने आपको 20 का मॉडल दिखाया था, एक दिन में वो सोल्ड आउट हो गई है। इससे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले सवारी दिखाई थी, वो भी एक दिन में सोल्ड आउट हो गई है। तो जिनको भी गाड़ी पसंद आती है वो कॉल करके अपने लोग ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए आपका भाई आपको डिटेल में पूरी गाड़ी का बोनट वगैरह इंजन वगैरह खोल के सब कुछ दिखा देता है, ताकि आप लोग को फोन में अपनी ग्रैब करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी इसकी फोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी गाड़ी आती है उसकी फोटोज मैं आप पहले ही डाल देता हूँ। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भैया से फोन करके इसकी फोटोज वगैरह मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का नंबर मिल जाएगा। और यहाँ का जो एड्रेस होने वाला है वो होने वाला अपना छोटा एंड प्रोडक्ट किसी कार बाजार जबलपुर की बेसिकली अपन पूरी वीडियो बनाते हैं। बाकी यार मुझसे कोई बात करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी गाड़ी अगर आती है उसकी अपडेट मैं वहाँ पे पहले ही डाल देता हूँ। और अगर आप लोग की कोई डिमांड हो तो आप लोग बिल्कुल मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही न्यू सेकंड का वीडियो देखना तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जरूरी बात है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नितिन भैया, आज कौन सी गाड़ी आप दिखाने वाले हैं? तो हाय जी, बोलेरो आई है। बोलेरो फिर से आ गई अपने पास, SLX 2019, लोकल नंबर, व्हाइट कलर, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट ओनर, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। कुछ दिन पहले ही अभी 2020 का मॉडल अपने पास आया हुआ था और वो एक दिन में सोल्ड आउट हुआ है। और इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, जिसको लेना हो तत्काल फोन करें, नहीं तो ये गाड़ी लोकल नहीं मिलेगी। गाड़ी नहीं मिलेगी। ये हो गई सफारी, हो गई जो सफारी बनाए थे सफारी सोल्ड हो गई। वो टीवी खड़ी है वो भी समझ लो सोल्ड हो गई ऑलमोस्ट। तो यार गाड़ियां आ रही हैं, एक दिन में निकल जा रही हैं। तो अगर आपको बोलेरो चाहिए लेटेस्ट मॉडल में, अगर आप अपना कुछ पैसा बचाना चाहते हैं नहीं ना लेके, क्योंकि भैया इसमें भी वो वाला काम होगा ना कि मतलब सॉल्वेंट वॉल्वेंट डालता है, इसमें नहीं डालना पड़ेगा ना अपन को? नहीं, वो तो जब ज्यादा चल जाती तब वो कंपलसरी नहीं डालना, वो तो आदमी के ऊपर डालना चाहिए। वो नहीं, पेट्रोल में जो मिला के डाल रहे हो लोग VS6 में वो वाला, तो ये यार इसमें नहीं है ना। तो यार ये बेनिफिट वाली गाड़ी है आप लोग के लिए, काफी अच्छा पैसा आपको सेव करके दे देगी। और यार गाड़ी बिल्कुल नई है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इसका टायर देखेंगे तो टायर के जो रेशियो होते हैं ना वो तक अभी तक इसमें जिंदा है। तो यार गाड़ी ज्यादा चली हुई नहीं है। बाकी साइड से आप लोग को इसकी प्रोफाइल दिखाऊं तो यार प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, आपको ब्रांड न्यू वाले जो स्टिकर्स मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो बोलेरो के न्यू मॉडल में आपको मिल रहा है। 19 का है, SLX है, मोस्ट सेलिंग गाड़ी है महिंद्रा की तरफ से है, और यही एक गाड़ी थी उस समय जो महिंद्रा को जिंदा करके रखी हुई थी। इसके अलावा आप लोग को अभी XUV वगैरह मिलती है, लेकिन बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है यार दोस्तों जो अभी भी इसी शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी रिसेंटली में जो इसका फेसलिफ्ट आया था, इसको टीवी के साथ मर्ज करके बना दिया गया था, लेकिन वो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई है जितनी ज्यादा लोगों को ये पसंद आती है। और न्यू मॉडल के साथ साथ गाड़ी है साइलेंट भी है। तो भैया गाड़ी तो बाहर से बहुत शानदार है, टायर ही देख के समझ आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट ओनर है जी, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है, SLX मॉडल है जी। और बाकी तो सब आप चली कितनी है भैया? ये 62,000 चली, 62,000 अपने यहाँ तो बेस्ट सर्विस रिकॉर्ड, बेस्ट सर्विस रिकॉर्ड। तो भैया इसका एक बार अपन बोनट दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि यार ये जो गाड़ियाँ होती ना यार बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ यूज होती हैं, लेकिन अपने यहाँ जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो आपको सिटी में चली हुई गाड़ियाँ मिलेंगी यार। ऐसा नहीं है कि गांव वगैरह में चली हुई गाड़ियाँ मिले, लेकिन आप इसे आराम से गांव में भी चला सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी बनी ही इसके लिए है। अगर आप उत्तराखंड से भी कहीं देख रहे हैं तो भैया को फोन कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी आपको कैश में मिलेगी। बाकी अपनी गाड़ी है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश वालों का फाइनेंस भी हो जाएगा ना भैया? MP वालों के लिए फाइनेंस ईजिली हो जाएगा गाड़ी में, आप लोग देखते हैं। पूरा लोहा है भैया ये, महिंद्रा डाटा सिर्फ लोहा ही बनाता है। बाकी इंसुलेशन भी अब ये लोग अच्छा देने लगे हैं, तो गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा साउंड नहीं आता है। गाड़ी अच्छी, गाड़ी में कोई काम नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया, गाड़ी में आप लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। और जितनी भी गाड़ियां आ रही आज तक मेरे ख्याल से अभी तक अपन कोई शिकायत नहीं आई है किसी की। अपन ने जी इतनी गाड़ियां अपन ने दे दी, कोई शिकायत नहीं। लेकिन चलता हूँ आप लोग को अंदर, बोनट तो आपको दिखा दिया हूँ और इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी डील को जल्दी जल्दी फोन में ही ग्रैब कर सकें, क्योंकि गाड़ी एक दिन से ज्यादा रुकने वाली नहीं है। और जैसे कि अभी टाटा पंच वगैरह में आता है जो 90 डिग्री के डोर ओपन होते हैं, तो इसमें भी वो शुरू से होते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये बात नोटिस नहीं की थी। बाकी बहुत अपराइट बैठते हैं भैया, तो पूरा बोनट वगैरह विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बार तो दिखा दिया भैया बोलेरो, क्या बताएं, बार बार समझ नहीं आता। इसमें कंपनी का सिस्टम है, इसमें जी कंपनी का आपको इसमें सिस्टम देखने को मिल जाएगा जी। सीट कवर सब इसमें बढ़िया मिल जाएंगे। और 19 का मॉडल अभी इतना दिखाने की मेरे हिसाब से इसमें जरूरत है नहीं। आप लोग ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप लोग यहाँ के चेक करेंगे। बाकी मीटर आप लोग इस गाड़ी का देख लीजिए, गाड़ी का जो मीटर है 62,000 चली हुई है। भैया इंश्योरेंस है गाड़ी में इस बार? फर्स्ट पार्टी फर्स्ट पार्टी है ना, क्योंकि उस वाले में था नहीं। फाइनेंस कराना चाहेगा
तो ये समझ लीजिए 6,30,000 का अप्रैल तक का बीमा है जी, 6,25,000 के आसपास फाइनेंस हो जाएगी, 6,25,000 के आसपास ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। भैया आप इधर ही बैठिए, एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे का स्पेस दिखाता हूँ जो बहुत मेन है। और अरे ये सीट कवर इसके अच्छे लग रहे हैं, ये वाली जो ब्लैक एंड रेड वाले सीट कवर आते हैं ना वाइट गाड़ियों में अच्छे लगते हैं। और स्पेस आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा अगर और पीछे करते हैं मतलब भैया तो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीछे भी आप लोग लेग रूम बहुत शानदार मिल जाएगा और प्रॉपर 9 सीटर गाड़ी है जी, पावर स्टीयरिंग है जी, चारों पावर विंडो है, सेंट्रल लॉक एसी, यही चीज तो चाहिए होती है भैया, कंपनी फिटेड ये सब चीजें, बाकी चारों पावर विंडो मिलते हैं ना गाड़ी में। और इसमें कंपनी का म्यूजिक सिस्टम, बाकी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। अब ले चलूंगा आपको इसकी लास्ट रो, भैया थोड़ा सा पीछे से दिखा देते हैं, मेन चीज तो वही है ये देखिए आप लोग एक बार, पूरा 90 डिग्री में खुल जाता है। स्टेपनी का टायर आपको यहीं पे लगा हुआ मिल जाएगा, वो भी ठीक ठाक है, ठीक कंडीशन में, खराब नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। बाकी कवर भी इसमें आपको लगा मिल जाएगा क्योंकि एसएल एक्सपीरियंट है। और क्या चाहिए भैया, बहुत चौड़ी सीट्स मिलती हैं पीछे, ऐसा नहीं बच्चों के लिए बनी है, नहीं बड़े लोग बैठ के जाते हैं इसमें आराम से, क्योंकि इसमें जो हेडरूम मिलता है वो भी अच्छा मिला, ऐसे बिल्डिंग करके गया है जी, ये सब तो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है भैया, गाड़ी खराब आराम ना हो, हाँ मतलब कभी धोखे से कोई टच वगैरह भी कर दे तो कोई खराबी वगैरह ना मिले कुछ इसमें। बाकी गाड़ी भैया एक बार आपको बताया तो 2019 है, SLX है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है जी, चारों टायर नए हैं, 62,000 तक का बीमा है, 6,30,000 रुपए का, कोई फाइनेंस कराना चाहेगा तो 6,25,000 के बीच में फाइनेंस हो जाएगा, 6,00,000 रुपए करीब इसमें फाइनेंस भी हो जाएगा, मतलब ये तो आपके पेपर अच्छे हो तो, हाँ आप सब चीज डिपेंड करता है आपके पेपर कैसे, जी जी जी, मतलब अगर जिनके अच्छे, पहले तो आप बताइए भैया इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसका प्राइस है 8,50,000, 8,50,000 रुपए, मतलब अगर किसी के अच्छे पेपर हैं तो 2,50,000 रुपए देके वो गाड़ी फाइनेंस करवा सकता है इजीली। तो दोस्तों ये डील यार बहुत अच्छी है, नए मॉडल में है, अगर आप अभी लेंगे यही वाला मॉडल तो मेरे ख्याल से 11 के आसपास के पास का ये पड़ जाता है, क्योंकि अब तो मर्ज हो गई है गाड़ी, लेकिन ये वाली बोलेरो भी आ रही है, लेकिन ये बोलेरो की बहुत ज्यादा डिमांड है, ये डिमांड बहुत ज्यादा है, बोलेरो इस शेप में आ रही है जी, अब तो ये इसको बना दिए टीवी और उसको मिला के बना दिए है, गाड़ी बोलेरो ये टीवी का हेड लगा दिए है बस, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी लगती है भैया देखने में। बाकी आपको जो यहाँ का एड्रेस है वो भैया बता देंगे, क्या होने वाला भी अपना भैया, छोटी लाइन फाटक सुविधा हॉस्पिटल के बाजू में, केसी कार बाजार जबलपुर, और सैटरडे ऑफ रहता है जी, बाकी दिन 10:30 to 8:30 हम लोग मिलते हैं, चलिए ठीक है। बाकी आपको इसकी फोटो चाहिए तो आप भैया को कॉल करके, फाइनेंस नई पुरानी सब गाड़ियां हो जाएगी मध्य प्रदेश, अच्छा फाइनेंस, जो भी फाइनेंस होगा मध्य प्रदेश में होगा, बाहर के लिए फाइनेंस नहीं होगा, बाहर के लिए नहीं होता ना, चलिए ठीक है। बाहर के अगर लोग देखने को, क्योंकि देखते बहुत है अपने लोग बाहर की फोटो, ये बैजिंग बता दीजिए आप, पावर प्लस नया मॉडल है जी जी जी, आदमी पूछता ना कौन सी है, पावर प्लस, पावर प्लस है, न्यू वेरिएंट है, 19 है। बाकी यार मैं जो बोल रहा हूँ वो जो आप लोग बाहर से फोन करते हैं वो लोग ये गाड़ी कैश में ले सकते हैं और अपने यहाँ ले जाके आप लोग फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन आप अपने वहाँ पर ले जाके रजिस्टर करा के उसको फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको कैश लगेगा, कैश लगेगा। बाकी मध्य प्रदेश वालों के लिए अच्छा है कि आपका भाई मध्य प्रदेश में ये वीडियो बनाता तो आप लोग जो भी यहाँ गाड़ी देख रहे हैं वो आपके लिए फाइनेंस इजिली हो जाएगी। तो भैया बोलेरो तो आती जा रही है, आगे भी और आएंगी क्या, अच्छी जा रही है, बिकती जा रही है, बिकती भी जा रही है, स्विफ्ट के लिए बढ़िया जाने, बहुत फोन आ रहा है, इसकी भी तैयारी है, ग्वालियर के भी पार्टियों के फोन आ रहे हैं, ये भी एक दो दिन में चली जाएगी, चलिए ठीक है। चलो यार दोस्तों मिलेंगे आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।